देखिए, दो परिवारों का मिलन है जो चुनाव के बाद बिछड़ने के लिए हुआ है। ये बिछड़े हुए दो परिवार थे, पिछले बार नारा दिया था उन्होंने यूपी के दो लड़के, और दो लड़के जो यूपी के थे चुनाव के बाद जब बिछड़े तो लोगों ने कहा यूपी के दो लड़के आपस में फड़के और लड़के बिछड़े। अब ये चुनाव में बीजेपी का मुकाबला नहीं कर सकते, ये पॉलिटिकल जो टूरिज्म है उसको करने के लिए दोनों निकलते हैं चुनाव में। और जब 4.5 साल बीत जाते तब इनको याद आती है प्रदेश की जनता की, और मोदी जी और योगी जी पूरे 5 वर्ष और बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष लगता है। तो मैं समझता हूँ कि उत्तर प्रदेश में नहीं भारतवर्ष में कोई भी गठबंधन हो जाए, सब मिल जाए, सारे राजनीतिक दल मिल जाएँ, और ज़रूरत पड़े तो आसपास के देश से भी कोई दल मंगा ले। मोदी जी का मुकाबला नहीं कर सकते, 80 की 80 सीटें बीजेपी जीतेगी और बीजेपी पहले से ज़्यादा बहुमत से सरकार बनाएगी। पेपर बहुत से लीक हुए हैं, युवा ना नहीं देखो, ये योगी जी का सरकार है, योगी जी की जब हुंकार होती है ना कि दोषी बक्से नहीं जाएंगे, तो मान लो योगी जी के मुंह से निकला जिसने भी किया होगा। और आप देखो 1 मिनट नहीं लगा, उन्होंने जरा सी आशंका, हालांकि प्रूफ नहीं हुआ था कि लीक हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन जहां इसकी खबर भी आई उन्होंने तत्काल इसको ना केवल निरस्त किया, जांच बैठा ली है। और आप देखेंगे आने वाले समय में जो दंड होता है, 3 पीढ़ियां इस प्रकार का कृत्य करने वाले लोगों की, जो दोषी हैं उनकी 3 पीढ़ियां याद करेंगे कि नकल कराना या पेपर लीक करने का हस्त क्या होता। सर, अखिलेश यादव ने कल आवारा पशुओं पर ट्वीट किया है, अब उनको पता नहीं गोवंश से इतना नफरत क्यों है। वो जानते हैं कि गोवंश के संरक्षण के लिए पंचायत स्तर पर मोदी या योगी सरकार ने इंतजाम किया है, उन्होंने पहली बार अखिलेश जी की सरकार में भी या किसी और सरकार में व्यवस्था नहीं थी, 900 रुपये प्रति जो गोवंश है उसके भोजन की व्यवस्था इस सरकार ने किया, उसको बढ़ा के 1500 रुपये कर दिया। तो ये पहली बार सरकार कर रही है, अब गोवंश की कटाई नहीं हो रही, ये दुख है विपक्ष के लोगों का। पहले कसाई काट देता था, अब वो कसाई काट नहीं पा रहा, वो जानता है कि अगर काटेंगे तो उसका नतीजा क्या होगा। तो वो व्यवसायों पर असर पड़ा है लोगों को, इसलिए अब गोवंश उनको इतराज हो रहा है। लेकिन जहां भी इससे किसानों को नुकसान हो रहा है तो उसको नुकसान नहीं होने दिया जाएगा, और पूरी तरीके से सरकार गोवंश का संरक्षण भी करेगी और जो बेसहारा पशु हैं उनसे फसल को नष्ट भी नहीं होने देगी।